हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे माय 11 सर्कल ऐप के अंदर अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट बता रहा है, केवाईसी रिजेक्ट हुई है तो कैसे आप इसको ठीक करोगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो केवाईसी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है या फिर केवाईसी नहीं हो पा रहा, तो क्या रीज़न होता है और इसको ठीक कैसे करना है, तो इसके लिए आपको वापस से जो है केवाईसी वाले पेज पर आ जाना है। केवाईसी वाला पेज अगर आपको यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपका केवाईसी का जो पेज है वो आ जाएगा। ठीक है, माय अकाउंट में आने के बाद तो यहीं पर आपको पेज मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आती है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि ऐड कैश करना है, ऐड कैश वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे वापस ऐड कैश पर दबाइएगा तो ये केवाईसी वाला पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपसे जो है केवाईसी की पेज आ जाएगी, तो यहाँ पे केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। रिस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। केवाईसी करते समय आपको यहाँ पे एक नंबर वाला जो ऑप्शन है उसका ही यूज़ करना है, इंटर आधार नंबर, ये जो होता है, और इसका यूज़ करके कंटिन्यू कीजिए। अपने आधार नंबर यहाँ पे डालिए और वेरीफाई सबमिट कर दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे जो है पेज खुलेगा और वहाँ पे आपको जो है आपके आधार कार्ड की एक तो फ़ोटो देनी है या फिर डिजी लॉकर के साथ आपको वेरीफाई करना है। ध्यान रखना है कि अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ़ोटो आपकी क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी अनक्लियर फ़ोटो है, कोई भी ख़राब फोटो आती है तो वो यहाँ पे जो है फेल बताता है और आपका केवाईसी नहीं हो पाता। और दूसरे कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप जो आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी बैक और फ्रंट फ़ोटो आप सही से क्लिक नहीं करते, दोनों ही बैक और फ्रंट वाली फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, तभी यहाँ पे आपका जो है वेरीफाई हो पाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी अगर आप ये सारी ऑप्शन चीज़ें नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप जो है वेरीफाई आधार वीओ ओटीपी इसका यूज़ करेंगे और अपने आधार को वेरीफाई करेंगे। एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उसको वेरीफाई कर दीजिए, कोई भी आपका यहाँ पे फेल नहीं होगा और ये इंस्टेंटली आपका केवाईसी भी कर देगा।